आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लेबर कार्ड घर बैठे कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड, अगर आप लेबर कार्ड बनाना चाहते हैं तो घर बैठे जो आपके पास फ़ोन है या फिर अपने पीसी से लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, लेबर कार्ड बनाने के लिए कितना समय लगता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और आप किस स्टेट से किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, अगर आप भी लेबर कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर वॉच करिएगा। तो चलिए जानते हैं, किसी भी स्टेट का लेबर कार्ड बनाने के लिए फ्रेंड आपको इस साइड में आ जाना है, labor.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट में आएंगे फ्रेंड, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिससे फ्रेंड आप वहां से क्लिक करेंगे सीधा इस साइड में डिडेक्ट हो जाएंगे, जो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ फ्रेंड आप किसी भी स्टेट के लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, इम्पोर्टेंट लिंक में एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ऑल स्टेट का लिंक। आपको रीड मोर पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे रीड मोर पे क्लिक करेंगे फ्रेंड तो इस साइड में आप यहाँ से आ जाएंगे, जहाँ से देख सकते हैं हर एक स्टेट का आपको यहाँ से लिस्ट देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टेट रहते हैं उन सभी की लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं फ्रेंड, तो आप अपने स्टेट के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, एमपी, यूपी, सभी स्टेट की आपको यहाँ से लिंक देखने को मिल जाती है। जैसे फ्रेंड आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे, आपको सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपको उस स्टेट के लेबर की ऑफिशियल साइट में यहाँ से देख सकते हैं रिडेक्ट कर देगा। जैसे यहाँ झारखंड का भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार फिर अगर आप यहाँ से बिहार का भी देखना चाहेंगे तो चार नंबर में आपको बिहार लेबर डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो यह बिहार के लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट में आप इसे डिडक्ट कर देगा। इसी प्रकार और भी किसी स्टेट के यहाँ से देख सकते हैं। सभी स्टेट में फ्रेंड जो भी देख सकते हैं डिवाइड यहाँ से मिल जाती है आपको वेबसाइट, उसमें थोड़ा बहुत इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर जो लेबर कार्ड में अप्लाई करने का प्रोसेस है वो सभी में सेम रहने वाला है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा फ्रेंड आप झारखंड के लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचेगा फ्रेंड आप अदर स्टेट से, आपका प्रोसेस अलग रहेगा। आपको लॉगिन करने का तरीका और यहाँ पे इंटरफेस भी थोड़ा सा अलग देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर अप्लाई करने का प्रोसेस सेम रहता है। यहाँ सबसे पहले आएंगे फ्रेंड, आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड, अगर आप इसमें पहले से आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन यहाँ बना चुके हैं, आप कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर फ्रेंड पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालना है फ्रेंड, ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर देना है, सरनेम देना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कन्फर्म करना है, इंटर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर में एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डाल के फ्रेंड कन्फर्म करेंगे, आप सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे फ्रेंड तो आपको यहाँ से अपना आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहीं से देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सर्विस का, आप यहाँ से सर्विस पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसे देख सकते हैं बताया जाएगा जहाँ से लेबर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, जनरल लाइसेंस, ऑनलाइन पेमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी चीजें कर सकते हैं। लेबर कार्ड में अप्लाई करने के लिए फिर यहीं से एक ऑप्शन मिल जाता है सर्विस का। इसके बाद यहाँ से आएंगे तो देख सकते हैं वर्कर रजिस्ट्रेशन है, फिर आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होके आ जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं टाइप ऑफ वर्कर आपको सेलेक्ट करना है। आप यहां से अनऑर्गेनाइज वेक्टर है, फिर कंस्ट्रक्शन वाले हैं, अगर आप अनऑर्गेनाइज है तो आपको इसको सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे तो क्लास ऑफ वर्कर डाल देना है। आप यहाँ से क्या है, धोबी, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा, जो भी आप यहाँ से फिर यूज करते हैं आप यहाँ से आके उसे फिल कर देंगे। अगर यहाँ से माली तो आप इसको डालेंगे। आवेदन का आपको यहाँ से नाम डालना है, यहाँ से इंग्लिश में डालेंगे तो हिंदी में जाएगा, फिर हिंदी से अगर देते आप इंग्लिश में आ जाएगा। आपको कैटेगरी चूज करना है, बीसी वन में है, बीसी टू जनरल, ओबीसी, शेड्यूल यहाँ से कास्ट में आते हैं या फिर शेड्यूल ट्रिब्यूट में आते हैं, जो भी रहेगा फिर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पूछा जाएगा वेदर बिलोंग द मिनिस्ट्री, अगर आप यहाँ से नो ही रहने देना है, बीपीएल को भी आप यहाँ से नो रहने देना है। जिसका आप अप्लाई करें उसके फादर्स के नाम यहाँ से डालेंगे या फिर हस्बैंड का नाम आप यहाँ से डालेंगे। नीचे आएंगे तो मैरिटल स्टेटस चूज करना, अनमैरिड है या फिर मैरिड है। यहाँ से आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी रहेगा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के यहाँ से नंबर डालना है और यहाँ फ्रेंड आपको चूज अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने आधार कार्ड को डेट करेंगे यहाँ से आप फिर अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से एक मोबाइल नंबर डालना है।
इसके बाद ही फिर यहाँ से एवरेज इनकम आप यहाँ सकेंगे तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मंथली इनकम आपको अपलोड करना है, फिर ईयरली इनकम आपको अपलोड करना है। अगर ईयरली अपलोड करना है फिर आप बनवा लेंगे कॉस्ट सर्टिफिकेट, आप यहाँ से डाल देंगे कितने रुपये आप रहता है। मेन का एक्यूपेशन क्या है, आप यहाँ से मेन एक्यूपेशन आप क्या करते हैं आपको उसे यहाँ से अपलोड करना है। इसके बाद नीचे आएंगे फिर तो यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है, जिनमें आपको पता यहाँ से डालना है। इसके बाद अपने डाक का घर डालना है, यहाँ से डाक पुलिस स्टेशन आपको क्या लगता है। फिर यहीं से नीचे आएंगे फिर तो आपको चूज कर लेना आपका जिला क्या है, कौन से जिले से आप बिलोंग करते हैं। नीचे आएंगे फिर तो प्रखंड आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपका प्रखंड क्या है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पिन कोड डाल देंगे, यहाँ से फिर यही सब सारी चीजें आपको जितने भी आप हिंदी में फिल करेंगे वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर यहाँ से इंग्लिश में आ जाएगा। आपका फिर यहाँ से प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, आप यहाँ से सेम पे क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ से फिल करना है। जहाँ से आपको जो भी आवेदन का पता है आपको सबसे पहले उसे फिल करना है। इसके बाद आपको डाकघर यहाँ से फिल करना है, पुलिस स्टेशन फिल करना है। यहाँ से आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है उसे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, जिले से बिलोंग के बाद फिर आपको प्रखंड यानी आपका यहाँ से उपखंड क्या है उसे सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड डालेंगे, जितनी भी चीजें डालेंगे वो कन्वर्ट होकर ऑटोमेटिक फिर यहाँ से इंग्लिश में आ जाएंगी। यहीं से नीचे आएंगे तो देख सकते हैं डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मांगी जाती है, आप यहाँ से डिपार्टमेंटल इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले यहाँ से नाम ऑफ एड्रेस एंड डिपार्टमेंट आपको यहाँ से डालना पड़ेगा। रिलेशनशिप विद द एप्लीकेशन, क्या रिलेशन है, यहाँ से मदर फादर हैं कौन है उनको आपको फिल करना है, सभी का आपको यहाँ से मेंबर को ऐड करना है। अमाउंट टू पेड कितना है आप उसे फिल करेंगे। इसके बाद फिर आपको उनका एड्रेस ऑफ द स्कूल क्या है या फिर माइनर है तो आप कोई चीज़ डालेंगे। आधार कार्ड का नंबर और उनके मोबाइल नंबर डालेंगे। एक्यूपेशन आप सेल करेंगे और अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं या फिर नहीं है, यस या नो जो भी रहेगा। अगर अनऑर्गेनाइज वर्कर हैं तो आपको सिंपली यहाँ से यस कर देना है। और मेंबर ऐड करने के लिए फिर ऐड मेंबर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इस प्रकार आप यहाँ से मेंबर को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे फिर आपको यहाँ से बैंक की डिटेल फिल करना है, जिनमें आपको अकाउंट नंबर, बैंक का क्या नाम है, कौन से बैंक आप यहाँ से ऐड करना चाहे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रांच का नेम, IFSC कोड और यहाँ से बैंक का आधार से देख सकते हैं प्रूफ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिनमें पासबुक या फिर कैंसिल चेकबुक दे सकते हैं। जो भी आप यहाँ से देंगे फिर आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी अपने गैलरी में या फिर अपने लैपटॉप में जहाँ भी से रहेंगे आप इसे अपलोड कर देंगे। टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, इसको भी आप यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे फिर सबमिट करेंगे उससे पहले आपको इस फॉर्म को यहाँ से आके एक बार चेक कर लेना है, जो भी आपने यहाँ से जानकारी फिल की है वो सभी जानकारी सही है या फिर नहीं। एक बार जब भी फिर सभी जानकारी मैच कर लेंगे, इसके साथ ही साथ आप यहाँ से वहाँ से एक फ़ोटो को भी अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ से एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जहाँ भी आप अपने फ़ोन में सेव करके रखेंगे यहाँ से फ़ोटो को भी अपलोड कर देंगे। इसका फिर सभी जानकारी को मैच करना है, मैच करने के बाद आपको इस फॉर्म को सिंपली सबमिट कर देना है। जैसे फिर फॉर्म सबमिट करेंगे आपका फॉर्म यहाँ सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। जब यहाँ से फिर आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा फिर आप यहाँ से सर्विस वाले ऑप्शन में आएंगे, वर्कर रजिस्ट्रेशन में आएंगे और रजिस्ट्रेशन में यहाँ से जाएंगे फिर तो देख सकते हैं एप्लीकेशन चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। आप अपने एप्लीकेशन का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका फॉर्म कितना सबमिट हुआ है, ये फिर कितना प्रोसेस आपके फॉर्म में हुआ है। इस प्रकार फिर आप यहाँ से लेबर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना आके यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इस प्रकार आप किसी भी स्टेट का लेबर कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई घर बैठे कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाया हूं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। आपके मन में कोई सवाल रहेगा तो आप में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है, वहां जाके फॉलो करें। आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमसे वहां भी पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। हमारे चैनल पर फ्रेंड अगर आप पहली बार आए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक ऑल पे क्लिक करें। आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा इस चैनल पर डेली आपको नॉलेजेबल वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। इस तरीके से फिर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक से जल्द मिलूं, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।